नजीबाबाद पुलिस ने आज 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस को इनके पास से घटना में इस्तेमाल कार, अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। इस ग्रुप में पुलिस की दरोगा व सिपाही की वर्दी भी बरामद हुई है। पुलिस ने अपहरण किए गए व्यक्ति को भी बरामद कर लिया है। आज SP सिटी ने मीडिया को बताया कि 16 तारीख को उधम सिंह नगर की रहने वाली मनीषा नाम की महिला ने पैसा वसूलने के उद्देश्य से यशवीर सिंह निवासी गांव भनोटी शेरकोट को झांसे में लेकर रामनगर उत्तराखंड बुला लिया। यशवीर सिंह अपने नौकर मुकेश के साथ रामनगर चला गया। इसी दौरान मनीषा ने अपने 4 साथियों जिनमें 2 पुलिस की वर्दी में थे, यशवीर और उसके नौकर को अपनी कार में बिठाया और 10 लाख की मांग की। उन्होंने यशवीर के ATM से 20,000 रुपये भी निकाल लिए और उनके पास रखे 2,000 रुपये भी छीन लिए और 10 लाख की मांग करते हुए उन्हें नजीबाबाद छोड़ दिया और नौकर मुकेश को अपने पास बंधक बना लिया। यशवीर सीधा थाने पहुंचे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और घेराबंदी करते हुए 4 लोगों, पंकज निवासी गांव धर्मपुरा उधम सिंह नगर, दानवीर सिंह निवासी नसीर दिवाला शेरकोट, दीपक निवासी गांव नूनीखेड़ा जानसठ मुजफ्फरनगर और सुनील निवासी गांव गंगधाड़ी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मनीषा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई। SP ने बताया कि मनीषा फ़ोन पर और सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती करके उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाती है और फिर ये सब मिलकर अपने शिकार को ब्लैकमेल करके उससे रकम ऐंठते हैं। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। पकड़े गए हैं, क्या बरामद हुआ? देखिए, नजीबाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लड़कियों के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा के और उनको बंधक बना के उनसे पैसा वसूली का कार्य करते थे, उद्यापन का कार्य करते थे। इसी तरह से एक मामला आया जो कि शेरकोट निवासी यशवीर ने एक मामला नजीबाबाद में दर्ज कराया कि एक लड़की से फ़ोन करा के कुछ लोगों ने मुझे रामनगर होटल में बुलाया, वहाँ पे मुझे अपने कब्जे में लिया और मुझे भय दिखा के उद्यापन करने के प्रयास से लेके आए और नजीबाबाद में ATM से 16,000 रुपया निकलवाया। तदुपरांत नौकर को बंधक बनाए रहे और कहे कि 10 लाख रुपये और लेके आओगे तब नौकर को मैं छोड़ूंगा। इस सूचना पर तत्परता से नजीबाबाद पुलिस ने इन चारों की गिरफ्तारी की। जो महिला इसमें संलिप्त है उसकी तलाश में हमारी पुलिस टीम गई हुई है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। अब तक जो मामला विवेचना से निकल के आया यह धारा 386 का एक्सटॉर्शन का मामला है, ये है, इस पर गहराई से और विवेचना की जा रही है। हाँ, इसमें दीपक नाम का एक पुलिसकर्मी है जो कि 2011 बैच का है, अप्रैल 2021 से मुरादाबाद से निलंबित चल रहा है, वह भी इस गैंग में सम्मिलित है और इन्हीं लोगों के साथ इस तरह का उद्यापन का कार्य करेंगे। इससे पहले कोई घटनाएं कर चुके हैं, कोई पता चल पाया अभी तो? इनकी घटनाओं के बारे में और जनपदों से, पड़ोसी जनपदों से जानकारी ली जा रही है। इनका पूरा अभी तक जो मामला निकल के आया है उसमें जो पंकज एक अभियुक्त है उसके खिलाफ संभल में एक अभियुक्त दर्ज है, जो दानवीर है उसके खिलाफ दिलारी मुरादाबाद में 2 अभियुक्त पंजीकृत हैं, जो दीपक है कांस्टेबल जो है हमारा उसके विरुद्ध ठाकुर द्वारा थाने में अभियोग पंजीकृत है, सुनील और मनीषा जो महिला है इसमें उसके खिलाफ भी डिलारी थाने में एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य पूर्व इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, गहराई से विवेचना करके इस गैंग को पूरा पर्दाफाश करके और इनको तोड़ेंगे।